नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आज के वीडियो में, जहां हम बात करने वाले हैं MZZS इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में। अभी MZZS जो एक SUV है, आप देख पा रहे हैं साइज़ की, वो कई मार्केट में आती है, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है MZZS का, वो कुछ ही मार्केट में आता है। अब इंडिया में वो आएगा। MG जो है वो सारे पार्ट्स चाइना से ला के, यानी एज ए CKD ला के यहाँ पर जो है गाड़ी को असेंबल किया जा रहा है और उसके बाद में गाड़ी को बेचा जाएगा। ये इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है कॉम्पिटिशन में रहेगी Hyundai Kona के। Hyundai Kona जो है वो 25 लाख रुपए की आती है, जो कि इस सेगमेंट या इस साइज़ की गाड़ी के हिसाब से लोगों को ज़्यादा लगता है। तो MG जो है CKD के थ्रू चाहता है कि प्राइस जो है वो कम रखी जाए। और भी कई फैक्टर्स हैं जिससे प्राइस को जो है कंट्रोल किया जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल में ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होते हैं प्राइस को कंट्रोल करने वाले। तो वो जो है MG देखते हैं क्या प्राइस रखता है। अभी फिलहाल हमें प्राइस नहीं पता है, 20 से 25 लाख के बीच में अनुमानित प्राइस है। फिलहाल लॉन्च से पहले हमें मिली है MZZS चलाने को, और ये जो 100-150 किलोमीटर लगभग जो चलाने को मिली है, इसमें हम इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या गाड़ी जो है कैसी चलने में है, क्या फीचर्स ऑफर कर रही है, बैटरी जो है कितने परसेंट में कहाँ कितना चार्ज होती है, कैसे चार्ज कर सकते हैं, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ क्या होगा, ड्राइविंग रेंज क्या होगी, कितनी फास्ट है कितनी स्लो है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सामने क्या क्या चीज़ें हैं, चाबी में क्या क्या है। चाबी से शुरुआत अगर करते हैं तो देखो, ये तीन बटन आपको दिख रहे हैं, लॉक, अनलॉक और ये बूट जो है उसको अनलॉक करने का बटन है। बूट पूरा खुल के, इलेक्ट्रिक बूट नहीं है तो खुल के ओपन नहीं होता है, बस अनलॉक होता है। आगे यहाँ पर बात करेंगे हम, तो देखो ये आपको मिल रहे हैं DRL, तो इसको लंदन आई शेप बोल रहे हैं MG वाले। तो ये DRL है आपके पास में, ये इंडिकेटर दिख रहे हैं आपको, ये जो है प्रोजेक्टर में लैंप्स दिए गए हैं आपको, हेलोजन लैंप्स दिए गए, कोई फॉग लैंप वगैरह यहाँ पे कुछ नहीं है। अगर आप गाड़ी लॉक अनलॉक करेंगे तो आपको ना सिर्फ डोर वगैरह अनलॉक होंगे, बल्कि ये चार्जिंग पॉइंट जो है ये भी अनलॉक हो जाएगा। तो इसको जब आप प्रेस करेंगे तो ये बाहर आएगा, और यहाँ आप देख पा रहे हैं चार्जिंग पोर्ट है। अब चार्जिंग की बातें जो है वो बाद में आगे करते हैं, उसमें थोड़ा डिटेल से समझाएंगे आपको। इस तरफ अगर आप देखेंगे साइड में, तो अलॉय व्हील्स जो है वो MG कहता है विंड व्हील से इंस्पायर्ड है, नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी, जिस तरीके से इलेक्ट्रिक है तो वो बता रहे हैं, मतलब उस तरीके का माहौल जो है उसमें सेट होती है। 215/50 R17 के टायर आपको मिलते हैं, मिशलिन फार्मेसी, ये प्राइमेसी टायर जो है, ये प्राइमेसी टायर थोड़े से कहते हैं फ्यूल एफिशिएंसी के लिए माने जाते हैं, तो हो सकता है यहाँ पे थोड़ी रेंज बढ़ाने की हेल्प से जो है लिया गया। इलेक्ट्रिक की बैजिंग यहाँ पे है, ये छोटी वोटी होती है तो अच्छा लगता है थोड़ा सा। साइड में अगर आप देखें तो रिक्वेस्ट सेंसर यहाँ है, ORVM जो है उस पर भी आपको टर्न इंडिकेटर मिलेंगे। ये कुछ साइड का नज़ारा है, स्किड प्लेट्स और ये आप जो कहते हैं इसको क्लैडिंग वगैरह, थोड़ा सा यहाँ अनइवन शेप है, ये आप देख पा रहे हैं थोड़ा सा अनइवन है। बाकी गाड़ी में कहीं ज़्यादा यूँ पैनल गैप वगैरह नहीं मिलते, बस यही एक पॉइंट है यहाँ पर जहाँ पर मेरे को थोड़ी सी चीज़ें देखने को मिली। पीछे ये आपको इंडिकेटर्स जो है वो मिलते हैं यहाँ पे पीछे की तरफ, ये आप रिवर्स लाइट, ये है, ये आपको जो दिख पा रहे हैं ये टेल लैंप है। फॉग लैंप आगे नहीं है बट पीछे यहाँ पे फॉग लैंप है, इसके अंदर फॉग लैंप जो है वो लगा हुआ है, और ये रिफ्लेक्टर है। इंटरनेट इनसाइड की बैजिंग यहाँ पे दी हुई है, MG का लोगो है, इसको अगर आप दबाएंगे तो बूट खुल जाएगा। लगे हाथ बूट भी आपको दिखाता हूँ, इतना कुछ स्पेस है बूट में, लगेज जो है इतना रखा हुआ है, 448 ऑफिशियल फिगर है, 60-40 स्प्लिट में सीट भी नीचे गिर जाती है। पार्सल ट्रे भी आपको मिलती है, पकड़ो नीचे डालो। सारे पार्ट्स की क्वालिटी बहुत अच्छी है, थोड़े भारी भारी पार्ट्स हैं तो वो एक अच्छी चीज़ इसके बारे में। ग्लोबल NCAP जो है उसमें टेस्ट नहीं हुई, लेकिन यूरो NCAP में इसमें जो गाड़ी लेफ्ट हैंड ड्राइव है उसको 5 स्टार भी मिले। ये ZS EV है और बैजिंग है यहाँ पे ZS EV की। बाकी यहाँ पे आपको मिल रहा है डीफॉगर, स्पॉइलर, स्पॉइलर में इंटीग्रेटेड है स्टॉप लैम्प, ये यहाँ पे आप जो देख पा रहे हैं ये है एंटीना शार्क फिन वाला। तो बस ये चीज़ें हैं, अब क्विकली अंदर चलता हूँ, अंदर की बात करते हैं। अब देखो अंदर का सीन क्या है कि गाड़ी में काफ़ी जगहों पे आपको पता चलने लगेगा कि क्योंकि EV है तो कॉस्ट कम रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि बैटरी वगैरह का खर्चा बहुत ज़्यादा होता है, तो उस चीज़ों को लेते हुए काफ़ी जगहों पे कॉस्ट कटिंग भी आपको दिखेगी, वो भी मैं आपको बताऊंगा। बट स्टिल बहुत सारे फीचर दिए गए हैं। सबसे पहले इधर से अगर शुरू करें तो ये जो आप देख पा रहे हैं ये विंडो कंट्रोल्स, अभी ये सारे विंडो है ऑटो डाउन, लेकिन ये जो है ये ऑटो अप डाउन दोनों हैं, यानी कि ड्राइवर साइड जो है वो ऑटो अप डाउन दोनों हैं। यहाँ पे आपको लॉक अनलॉक का बटन दिया गया है, ये लिवर। फिनिश अगर आप बात करेंगे ना तो सारे जगहों की फिनिश बहुत अच्छी है और एक दूसरे में अच्छे तरीके से इंटीग्रेटेड भी है, बट ये हार्ड है, ये भी हार्ड है। यहाँ पे ज़रूर आपका लेदर का इस्तेमाल होता है, यहाँ पे भी होता है, ये थोड़ा सा सॉफ्ट टच है, ये हार्ड है, ये चीज़ें सॉफ्ट टच है, ये हार्ड है, ये हार्ड है, और ये जो है यहाँ पे फिनिश थोड़ी सी अच्छी है, इस जगहों पे हार्ड है, इस जगहों पे थोड़ा सा सॉफ्ट है, ये यहाँ पे थोड़ी सी अच्छी ग्रिप दी गई है। बाकी यहाँ पे ग्लॉसी फिनिश का इस्तेमाल किया गया है इस जगह पे, इस जगह पे, तो वो चीज़ें थोड़ा सा फिंगरप्रिंट और स्क्रैचेज यहाँ पे जो है वो जल्दी आएंगे। मटेरियल से रिलेटेड आप ये कह सकते हैं कि 20 लाख की गाड़ी के मटेरियल्स लगते नहीं है, बट क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल है कई जगहों पर कॉस्ट काटनी थी तो शायद इसलिए सब मटेरियल जो है चूज़ किए गए हैं। स्टीयरिंग में लेदर रैप्ड
स्टीयरिंग है और लेदर रैप्ड स्टीयरिंग है और बहुत ही नीटली जो है स्टीयरिंग लगता है, नीट स्टीयरिंग लगता है। आते वक्त जो आप पकड़ते हो वो जगह भी बहुत सही लगती है और ये पूरा कंट्रोल वगैरह है, इस पर बाद में बात करते हैं एर्गोनॉमिक्स रिलेटेड, लेकिन यहाँ जो है वो बात कर लेते हैं। पहले गाड़ी चालू कर लेते हैं, कोई आवाज़ वाज तो ऑब्वियसली आनी नहीं है। ये जो कंट्रोल्स हैं ये है सारे मल्टीमीडिया से रिलेटेड कंट्रोल, ट्रैक आगे पीछे या एफएम स्टेशन चेंज करना है, म्यूट करना है, आवाज़ बढ़ानी है उसका कंट्रोल है, फ़ोन उठाना है उसका कंट्रोल है, सोर्स क्या होगा मल्टीमीडिया का उसका कंट्रोल है, इस तरह सारे कंट्रोल एमआईडी से रिलेटेड कंट्रोल्स हैं। एमआईडी में क्या क्या है उसकी बात कर लेते हैं। एमआईडी में अगर देखो तो ये एनालॉग है, ये एनालॉग है, ये जो बीच में आपको दिया हुआ है यही डिजिटल है और सारी चीज़ें इसी में है। हालांकि ये कलर्ड है बट फिर भी इसकी क्वालिटी जो है ऐसा लगता है कि थोड़ी सी उतनी अच्छी नहीं है जितनी यूँ प्रॉपर एक ढंग की एलसीडीज की आजकल देखने को मिलती है, उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है। लेकिन अगर आप देखें तो इसमें नॉर्मल मोड आपको बताता है, आप मोड चेंज करेंगे तो यहाँ पे दिखाएगा आपको। उसके बाद में इस तरफ अगर आप देखें तो आपके पास अलग अलग सेटिंग अवेलेबल, स्पीड वार्निंग बंद करनी है चालू करनी है उसका ऑप्शन कब आनी चाहिए स्पीड वार्निंग वो भी दिखाता है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल ऑन करना ऑफ करना है, नेक्स्ट सर्विस कब करनी है, सर्विस इंटरवल मेरे ख्याल से 10,000 किलोमीटर का होगा क्योंकि अभी 1,293 किलोमीटर चली है और इतने किलोमीटर जो है बाकी बता रहा है सर्विस में, तो उस अंदाजे से मैं बता रहा हूँ। वार्निंग अगर कोई होती है तो वो यहाँ पे दिखाता है, करंट स्पीड आपको यहाँ पे दिखाएगा डिजिटली भी, और जब आप चेंज करते हैं मोड्स वगैरह वो आप जैसे यहाँ से करेंगे तो उस वक्त आपको दिखाता है इको मोड, उसके बाद दिखाएगा नॉर्मल मोड, उसके बाद दिखाएगा स्पोर्ट मोड। क्या डिफरेंस है इन तीनों मोड में वो ड्राइव करते वक्त मैं आपको बताता हूँ। और रीजनरेटिव ब्रेकिंग जो है उसका भी मोड आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, तो जब भी आप चेंज करेंगे तो आपको दिखाएगा रीजनरेशन लेवल 1, 2 और मॉडरेट लाइट और हैवी 1, 2, 3 को ये कहा जाता है। फिर आपके पास में एक और स्विच यहाँ पे दिया गया है जो कि आपको बताता है कितनी बैटरी रिमेनिंग है, तो जब भी आप दिखाएंगे तो बताएगा कि भैया इतनी रेंज रिमेनिंग है, 116 किलोमीटर की रेंज रिमेनिंग है। तो ये तीन चीज़ें और यहाँ पे दिखाता है, और भी चीज़ें हैं जैसे कि यहाँ नीचे आप देख सकते हैं 11:38 टाइम दिखा रहा है, यहाँ पे ओडो दिखा रहा है, और अगर आप इसी को स्क्रॉल करते जाएं तो आपको यहाँ पे जो है करंट स्पीड एनर्जी फ्लो जो है वो भी दिखाता है किस तरह एनर्जी फ्लो हो रहा है, टायर प्रेशर भी दिखाता है, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिकल इन्फॉर्मेशन है कितना वोल्टेज है, मोटर की स्पीड क्या है, करंट कितना जा रहा है, ये एक्यूमुलेटेड टोटल जो है ट्रिप इन्फॉर्मेशन है वो है, करंट जर्नी उसकी इन्फॉर्मेशन है, ये सब आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। एक अगर आप चीज़ देखें तो ये देखो नीटली थोड़ा सा इंटीग्रेट किया गया कि बैटरी कितनी ड्रेन होने वाली कितनी बाकी है 12V वगैरह का, और इस तरफ जो है ओवरऑल बैटरी जो है वो कितनी बाकी है वो भी यहाँ पे नीचे दिखाता है, नीचे रेडी वगैरह ये भी दिखाता है। तो अगर आप यहाँ पे जो मोड करते हैं जैसे कि अभी पार्क मोड पे है तो न्यूट्रल पे होगी तो यहाँ पे दिखाएगा न्यूट्रल हो गई है, और ड्राइव पे होगी तो यहाँ पे दिखाएगा ड्राइव हुई, रिवर्स पे होगी तो रिवर्स दिखाएगा, साथ ही में यहाँ पे भी दिखाता है नीचे अगर आप ये देखो ना ये, तो यहाँ पे देखो रिवर्स ड्राइव न्यूट्रल ये सब दिखाता है, पार्क करोगे तो पी दिखाएगा, ये सब चीज़ें यहाँ पे भी दिखाता है। पार्किंग ब्रेक अगर आप लगाते हो मतलब जैसे ही आप पार्क मोड दबाते हो तो इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक अपने आप इंगेज हो जाता है, और उसके बाद में यहाँ पे भी सिंबल आया था इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक का। गाड़ी के कौन से पैसेंजर सीट बेल्ट लगा रखा है नहीं लगा रखा है वो भी यहाँ पे दिखाता है जब गाड़ी सीट बेल्ट लगाए जाते हैं तब। उसके बाद में कंट्रोल्स जो है हम देखें तो यहाँ पे ये कुछ कंट्रोल्स है जो कि हेडलाइट से रिलेटेड कंट्रोल्स है, थोड़ा सा उल्टा सिस्टम है, इधर हेडलाइट है, इधर जो है आपके पास में वाइपर्स के कंट्रोल है, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स आपको देखने को मिलते हैं, फॉगलिंग आपको पीछे वाला चालू करना है तो आप यूँ दबा सकते हैं फॉगलैम्प जो है ऑन हो जाएगा। ये जो है क्रूज कंट्रोल से रिलेटेड कंट्रोल्स है, ये जो आप देख पा रहे हैं ये कंट्रोल्स हैं वाइपर से जुड़े हुए, तो वाइपर से जुड़े सारे कंट्रोल यहाँ पे, हालांकि इसमें ऑटोमेटिक वाइपर रेन सेंसिंग वाइपर जो है वो नहीं दिया गया है। उसके बाद में अगर आप ओवरऑल देखें तो आपको यहाँ पे मिलता है एडजस्ट करने का लेवर, तो आप इसको जो है ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हैं, हालांकि टेलीस्कोपिक वे में जो है आप इसको एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। उसके बाद में अगर आप देखें तो ये एसी के ब्लोअर्स है, ये भी एसी का ब्लोअर है, इसको कंट्रोल करने का तरीका थोड़ा सा स्मार्ट सा लगता है इस तरीके से, पीछे कोई भी एसी के ब्लोअर नहीं दिए गए हैं। एसी की बात करें तो यहाँ पे जो है एसी के कंट्रोल्स आपको दिए गए हैं, कोई भी ऑटोमेटिक एसी जो है वो नहीं मिलता है जो कि थोड़ा सरप्राइजिंग मेरे को लगा, प्रॉब्ली यहाँ पे भी कॉस्ट कटिंग जैसी चीज़ को ही ध्यान में रखा गया है। ये जो है आपको ब्लोअर एडजस्ट करने को देता है, ये आपको टेम्परेचर एडजस्ट करने को देता है, एग्जैक्ट टेम्परेचर भी जो है वो आपको नहीं देखने को मिलता है। आप देखो ये बस ये इंडिकेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है जब आप टेम्परेचर एडजस्ट कर रहे होते हैं। एसी अगर आपको ऑन करना है तो आप यहाँ से ऑन सकते हैं, ये वाला मार्क यहाँ पे ऑन हो जाता है, और ये बाकी एसी से रिलेटेड छोटी मोटी चीज़ें और इन्फॉर्मेशन जो है वो बताता है। डीफॉगर यहाँ से ऑन होता है, साथ ही में फ्यूज जो है फ्यूज बॉक्स यहीं लग रखा है, तो जब भी आप डीफॉगर ऑन करते हैं तो आवाज़ आती है इस तरीके से। चलिए एसी बंद करते हैं, एसी बंद करने के बाद गाड़ी चालू है, कोई भी आवाज़ नहीं है ऑब्वियसली, हालांकि एक सेटिंग आती है जो कि बाहर की तरफ थोड़ी सी आवाज़ मोटर जो है आवाज़ मिमिक करती है ताकि पेडिस्ट्रियन वगैरह को पता चले, उस पर अभी हम जाते हैं। इधर आपको इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक मिलता है, इधर आपका ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप वाला बटन जो है वो मिलता है, ये कुछ नहीं है डमी है यहाँ पे, और ये दो बॉटल होल्डर्स। अभी यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस मिलता है लेकिन अगर आप देखें तो नीटली तो ये देखो एक छेद दिया गया है जिससे यहाँ से वायर निकाल सकते हैं, बिकॉज
ये जो आप देख पा रहे हैं नीचे यहाँ पे यूएसबी है, तो वो वायर आप यहाँ से निकाल सकते हैं। प्लस उधर एक 12V का सॉकेट है। इवन यहाँ पे भी दो चार मोबाइल रखने का स्पेस आपको मिलता है। ये आप देख पा रहे हैं, ये है पीछे का तरफ स्पेस। यहाँ पे भी ठीक है, ये भी अच्छा स्पेस है, थोड़ा ही बड़ा है, ज़्यादा बड़ा नहीं, बट स्टिल यूजेबल है। ग्लोव बॉक्स भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, प्रॉबेबली बिकॉज यहाँ पे एसी वगैरह का जो है सेटअप पड़ा है पूरा, ब्लोअर वगैरह का, और एयरबैग भी है इधर उस वजह से। बट फिर भी इसको थोड़ा सा बड़ा देना चाहिए था। अगर बात करें बॉटल होल्डर्स की, ड्राइवर साइड पे एक मतलब एक लीटर की बॉटल अच्छे से आ जाएगी, 2 लीटर की बॉटल भी अगर आप सही तरीके से ठूंसे तो आ जाएगी। यहाँ पे भी थोड़ा सा स्पेस फिर भी बच जाता है। आपको नीचे की और स्पेस दिखा देता हूँ मैं। यहाँ पे ब्रेक है, ऑब्वियसली एक्सेलरेटर पेडल है, और यहाँ पे जो है अच्छा खासा स्पेस है पांव रखने के लिए, तो उसमें भी कोई समस्या यहाँ पे नहीं है। ये आपको मिलता है आगे का, अगर आपको इंजन बे खोलना है, जैसे इंजन यहाँ पे नहीं है तो कह सकते हो आप मोटर बे खोलना है, तो वो आपको यहाँ ऑप्शन है। यहाँ पे कंट्रोल्स है साइड के ORVM वगैरह के, और ये हेडलाइट लेवलिंग स्विचे यहाँ पे दिए गए हैं। ORVM की अगर बात करें तो ORVM जो है वो है मैनुअली एडजस्टेबल कॉस्ट कटिंग, जैसा मैं कह रहा था। पैसेंजर एयरबैग की लाइट यहाँ पे है, ऑन है या नहीं, हालांकि आपको पैसेंजर एयरबैग ऑन ऑफ करना है तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन दिया गया है, आप उससे कर सकते हैं। और उसके बाद में यहाँ पे लाइटिंग की, ये LED नहीं है, हेलोजन लाइटिंग है, और ये डोर के बेस पे लाइट ओपन शट करने के लिए है। जैसे कि अभी मैं डोर बंद करता हूँ तो ये लाइट बंद हो जाएगी। ये कंट्रोल जो आप देख पा रहे हैं ये है सनरूफ का कंट्रोल, और सनरूफ नहीं, इसको स्काई रूफ कहता है MG, क्योंकि ये देखो MG कहता है 90% ऑफ द एरिया जो है हमारा ये रूफ जो है वो कवर करती है, रूफ का ये मतलब पैनोरामिक सनरूफ, तो उन्होंने स्काई रूफ इसको कह दिया है। अभी यहाँ पे जो है आपको ये जो कंट्रोल दिख पा रहे हैं, जब आप इन दो बटन को छेड़ेंगे तो सन ब्लाइंड जो है ये वाला ब्लाइंड जो है वो हटेगा। जैसे कि अभी मैंने इसको दबाया तो सन ब्लाइंड हट रहा है, लेकिन जब आप ये राउंड नॉब है तो इसको 8-way एडजस्टेबल है, यहाँ करोगे तो थोड़ी खुलेगी सनरूफ, यहाँ करोगे तो और थोड़ी, यहाँ यूँ करते करते पूरा ऑल द वे पीछे लाओगे आप तो उसके बाद सनरूफ जो है वो बहुत लंबी खुल जाएगी। सिर्फ यहीं तक नहीं, और भी पीछे जाती है सनरूफ, तो इतना लंबा सनरूफ जो है वो खुल जाती है, जो कि बहुत ही बड़ा है। फिलहाल बंद कर देते हैं हम सब कुछ, और यहाँ अगर आप देखें तो ये आपके पास अवेलेबल है। हम यहाँ पे ये इस तरीके से ओपन शट का सिस्टम है, बट कोई भी लाइट वगैरह जो है वो नहीं दी गई, ना सिर्फ इधर भी कोई लाइट वगैरह जो है नहीं दी गई है। प्लस ये जो है इतना ज़्यादा यूजेबल नहीं होगा, क्योंकि देखो इतना स्पेस यहाँ छोड़ रहा है, नीचे की तरफ भी स्पेस छोड़ रहा है, तो वही धूप जो है वो आती रहेगी, तो वो एक चीज़ जो है माइंड में आप रखें। सीट जो है वो अच्छी है, उसकी बात अभी ड्राइव करते वक्त करते हैं, तो उस पर लेटर आएंगे। तो अब बात कर लेते हैं इसकी। होम स्क्रीन जो है वो ये है आपके पास में। यहाँ पे 4-5 चीज़ें हैं, आप देखोगे वेदर, AccuWeather से आता है ये, इसमें 2-4 चीज़ें ऐड की गई। ओवरऑल ये iSmart का वर्जन 2.0 है। उसके बाद में EV बैटरी के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, कितना परसेंट चार्ज है, कितना CO2 आपने सेव कर लिया आज के दिन तक, या पूरे मंथ में तक, या पूरे ईयर में, अभी तक कुछ नहीं किया है, जब ये मंथ पूरा होगा तो वो ईयर में ऐड हो जाएगा ऐसे। और टोटल CO2 कितना सेव किया वो यहाँ पर दिखाएगा। सर चार्जिंग स्टेशन जब आप लिखेंगे तो वो आपको यहाँ पर दिखाएगा कि नज़दीकी चार्जिंग स्टेशन कहाँ पर है। उसके बाद में चार्जिंग स्टेशन पर अभी आगे आते हैं, थोड़ा सा और बात करते हैं। म्यूज़िक का कंट्रोल यहाँ पर है, ये गाड़ी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको अगर कुछ चाहिए तो वो यहाँ पर दी गई है। अभी ऑटो लॉक का फीचर है गाड़ी का, ऑटो लॉक अनलॉक होनी चाहिए। ये लैंप से रिलेटेड फीचर है, हॉकिंग लाइटिंग, ये टायर जो है ट्रिप्टोनिक स्ट्राइटोनिक जिसको महिंद्रा कहता है, और ये लोग प्रॉब्ली कहते हैं टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जो है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। ये ड्राइवर रिंग असिस्टेंट, यहाँ पे जैसे पेडिस्ट्रियन अलर्ट, यानी कि बाहर गाड़ी आवाज़ करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए चलते वक्त, ताकि पेडिस्ट्रियन को पता चले, तो वो आपके पास ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। हिल डिसेंट कंट्रोल जो है वो आपको देखने को मिलता है, तो वो भी आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं। हिल डिसेंट कंट्रोल एनर्जी रीजनरेशन भी करता है मोस्ट प्रॉब्ली, उस पर अभी बात करेंगे ड्राइव करते वक्त। ये कंट्रोल्स आपको थोड़ा से दिए गए हैं मीडिया से रिलेटेड, डायरेक्ट अगर आपको कुछ कंट्रोल करना है, सारे कंट्रोल्स जो है वो आपको यहाँ पे भी दिए गए हैं सेम टू सेम। ये जो बटन आप देख पा रहे हैं, अगर आप इसको दबाएंगे तो आपको MG जो है वो टिपिकल जो आप देखते हैं असिस्टेंट वो चालू हो जाएगा। तो अगर मैं दबाता हूँ और बोलता हूँ कुछ, ओपन ड्राइवर साइड विंडो, ओपन ड्राइवर साइड विंडो, ये ओपन कर दिया है। Yes. Close drive side window. Window on drive side is closed. ये क्लोज हो गई है। तो ये चीज़ें जो है आपको यहाँ देखने को मिलती है इससे, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ऑब्वियसली आप आई कॉल वगैरह जो है वो कर सकते हैं, एक सपोर्ट सिस्टम इसमें आता है MG की तरफ से, वो चीज़ है। सेटिंग्स, गाना, अब गाना जो है उसमें आप 100 सॉन्ग डाउनलोड कर सकते हो, पहले कम कर सकते थे, पहले सिर्फ 10 कर सकते थे पिछले वाले हेक्टर वाले में। रेडियो के ऑप्शन यहाँ पे है आपके पास में, और 2-4 चीज़ें जो है वो आप कस्टमाइज़ कर सकते हो यहाँ से अपना नाम, और जब ये एक्टिवेट होगा तो गाड़ी के रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह जो है वो भी यहाँ पे अपडेट कर दिए जाएंगे। नेटवर्क
वगैरह है ऑलरेडी 4G कनेक्टेड आता है। तो देखो ये बहुत ही नीटली इंटीग्रेटेड, यहाँ पे 52% बैटरी गाड़ी की, फिर 4G पे कनेक्टेड है, कितना परसेंट चार्ज है वो सब दिखाता है। एयरटेल से इनका टाई अप है अभी के वक्त। अगर आप एयरटेल का नेटवर्क नहीं आ रहा है तो आपके मोबाइल में आ रहा है तो आप हॉटस्पॉट बना के इसको वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हैं, वो भी एक आपके पास में ऑप्शन अवेलेबल है। तो भैया ये चीज़ें हैं, चलते हैं पीछे की तरफ। पीछे की तरफ देखें तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है बात करने को ज़्यादा, बस ये यहाँ पे एक थोड़ा सा आपको USB चार्जिंग पोर्ट दिया गया और थोड़ा सा स्पेस यहाँ दिया गया है। कोई भी AC नहीं है पीछे रियर विंडो पे, मतलब जो रियर AC है वो नहीं दिया गया, ना ही यहाँ पे कुछ भी लाइट वगैरह का सिस्टम है, कोई भी छोटी मोटी लाइट यहाँ नहीं दी गई है। तो रात को थोड़ी सी परेशानी हो सकती है पीछे वालों को, क्योंकि आगे वाली लाइट भी उतनी तेज़ नहीं है, प्लस LED होती तो भी शायद हेल्प मिलती, और पीछे कोई भी लाइट नहीं है। स्पेस जो है सिटिंग का उसकी बात करते हैं, उससे पहले ये देख लो आप, यहाँ पे विंडो जो है ऑटो डाउन और फिर मैनुअली आप मतलब इलेक्ट्रिकली आपको पकड़ के रखना पड़ता है, फिर ऑल द वे अप हो जाती है। 3 सीट बेल्ट दिए गए, हालांकि 2 ही हेडरेस दिए गए हैं, तो प्रॉबली 3 सीटर्स को प्रॉबली नहीं कहेंगे, मतलब ठीक है बंदा बैठ सकता है क्योंकि फ्लोर हम भी नहीं है, तो उस वजह से जो है चीज़ें काफ़ी ठीक है। सीट भी जो है काफ़ी सॉफ्ट है, कुशन जो है सीट का काफ़ी सही है। अगर हम बात करें तो हेडरूम जो है वो भी काफ़ी सही है, उसमें भी कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम मुझे लग नहीं रही है, लेकिन 3 बंदे बैठना बड़े एडल्ट्स के लिए मुश्किल होगा, हालांकि 2 बड़े और बीच में एक छोटा बच्चा आप कह सकते हैं 15 साल के आसपास या उससे नीचे, वो इजीली बैठ पाएंगे, उनके लिए कोई ऐसी समस्या जो है नहीं है। काफ़ी स्पेस है, आगे वाली सीट मैंने ऑल द वे पीछे कर रखी है मेरे लिए, बट फिर भी देखो आप यहाँ पे जो है थोड़ा सा स्पेस बच रहा है। 5'8" जो है वो मेरी हाइट है, तो ऐसी कोई समस्या जो है वो नहीं है स्पेस रिलेटेड। बॉटल होल्डर्स बिल्कुल आपको पीछे मिलते हैं, यहाँ पे भी थोड़ा स्पेस आपको देखने को मिलता है। ग्रैब हैंडल्स मिलते हैं आपको गाड़ी में, 6 एयरबैग जैसी चीज़ जो है वो भी मिलती है, उसके बावजूद आपको ग्रैब हैंडल्स दिए जाते हैं, जो कि एक अच्छी चीज़ है। ओके, तो चलिए ड्राइव करते हैं MGGS EV। आप जैसे चालू करेंगे तो नॉब घूमेंगे, वार्निंग लाइट शो होगी, गाड़ी अपना स्कैनिंग करेगी और रेडी आपको बोल देगी। अब जब ये रेडी हो तो आप इसको ड्राइव मोड में डाल के चलाना शुरू कर सकते हैं। हालांकि सीट बेल्ट का साइन पता नहीं क्यों बता रहा है जबकि मैंने सीट बेल्ट पहन रखा है। एनीवेज, एनर्जी रीजनरेशन लेवल जो है वो लेवल 3 पे होता है, जो कि मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है क्योंकि वो आपको नॉर्मल ट्रैफिक में ब्रेकिंग करवा देगा। तो अगर आप शहर में चलते हैं तो एनर्जी रिजर्वेशन लेवल को जो है लेवल 2 पे करके चल सकते हैं। उसके बाद में अलावा आपको जो है ड्राइव मोड मिलते हैं, यूजुअली ये नॉर्मल मोड पे रहेगा जब भी आप चालू करेंगे, और मुझे नहीं लगता आपको ज़रूरत पड़ेगी उसको चेंज करने में। क्या होता है मोड चेंज करने से वो मैं आपको बताता हूँ। अभी जैसे एक्सेलेरेटर पैडल है उस पर जैसे मैं टैप करूंगा तो मैं आपको बताता हूँ कब मैं टैप कर रहा हूँ। तो जैसे अभी गाड़ी चल रही है, मैं इको मोड पे डाल देता हूँ। इको मोड पे जैसे मैंने अब टैप करूंगा मैं 3, 2, 1, तो गाड़ी थोड़ा सा टाइम लेके धीरे से जो है एक्सेलरेशन ले रही है, ठीक है। नॉर्मल मोड पे अगर मैं करता हूँ तो जैसे ही मैं 3, 2, 1 टैप किया मैंने, गाड़ी एकदम से एक्सेलरेशन जो है वो सही टाइम पे लेना शुरू करती है। जब स्पोर्ट मोड पे होऊंगा तो एक्सेलरेशन जो है क्विकली आएगा, बहुत ही क्विकली आ रहा है, तो ये फर्क है। हालांकि आप जो है एक्सेलरेशन या टॉप स्पीड वगैरह जो है सब सेम मोड, सारे मोड में सेम ही मिलेगी आपको, तो शहर में जब आप चलाते हैं तो थोड़ा सा एक्सेलरेशन का फर्क होगा। बाकी मुझे नहीं लगता आप ये मोड्स वगैरह यूज करने वाले हैं, क्योंकि किसी भी मोड में आपको फुल पावर चाहिए तो वो मिल सकती है। अभी नॉर्मल मोड में जो है देखो ये इस वाली साइड जो है ना ये बता रहा है कि कितनी पावर मैं यूज कर रहा हूँ। गाड़ी क्विकली 0 to 100 जाने में गाड़ी को लगते हैं चंद सेकंड, तो वो बहुत अच्छी चीज बात है। 8.5 सेकंड गाड़ी को लगते हैं 0 to 100 जाने में। और गाड़ी के बारे में हैंडलिंग वगैरह की बात करें तो आप देख ही सकते हैं, अभी गाड़ी की हैंडलिंग जो है वो बहुत ही अच्छी है, किसी भी तरीके की परेशानी जो है गाड़ी की हैंडलिंग वगैरह आपको नहीं होने वाली है प्रॉपरली। अगर हम बात करें एक चीजों की ड्राइवर सीट से, तो सबसे पहले बात करते हैं विजिबिलिटी की, किसी भी तरीके की कोई परेशानी विजिबिलिटी से रिलेटेड नहीं है। पूरा ग्लास एरिया सब कुछ बड़ा है, IRVM भी अच्छा है, ये ECM हो जाता तो थोड़ा अच्छा होता, ORVM भी अच्छा है, कोई भी शिकायत उससे रिलेटेड नहीं है। बात करें मतलब यहाँ से बैठे बैठे एर्गोनॉमिक्स की, तो सारे चीजें जो है रीच में है, कोई परेशानी उससे रिलेटेड नहीं होती है। हाँ, इधर इंडिकेटर वगैरह जो है वो आपको इस साइड में यानी कि लेफ्ट साइड में, तो वो थोड़ी सी परेशानी आपको हो सकती है। उसके बाद में ड्राइविंग सीट से कंफर्ट की बात करें तो बहुत ही बेहतरीन सीट कंफर्ट है, कोई भी परेशानी आपको लंबी राइड्स में नहीं होने वाली। हालांकि लंबी राइड्स का मतलब इन गाड़ियों में ज्यादा होता नहीं, क्योंकि ये लंबी राइड्स के हिसाब से सिर्फ अपनी चार्जिंग रेंज पे जा पाती है, उसके बाद में आपको वैसे भी रुकना ही पड़ता है, तो वो एक चीज है। लेकिन सीट कंफर्ट जो है काफी अच्छा है, सीट जो है होल्ड भी आपको बहुत अच्छी करती है, इवन पैसेंजर सीट्स वगैरह जो है उसमें भी कोई समस्या जो है मुझे नजर नहीं आई। गियर बॉक्स वगैरह होते नहीं है, क्लच वगैरह होती नहीं, तो वो कोई चीज है नहीं यहाँ पे। ब्रेकिंग एक ऐसा
ऐसा फैक्टर है जो कि मुझे लगता है थोड़ा सा इम्प्रूव किया जा सकता है। ब्रेक आपको मतलब हाई स्पीड पे, मैं अभी फुल स्पीड टेस्ट जब करा था 155 पे लिमिटेड है, लेकिन उस टाइम जब ब्रेक टेस्ट करा था तो मैं उससे इतना इम्प्रेस नहीं था। तो मुझे लगता है ब्रेकिंग पे जरूर जो है थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट चाहिए। भले ही फोर डिस्क हो, चारों टायर में डिस्क आपको अवेलेबल हो, बट ब्रेकिंग उतनी अच्छी मुझे नहीं लगी। हैंडलिंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी मैंने आपको दिखाया भी, हैंडलिंग जो है काफी सही है। एक इलेक्ट्रिक व्हीकल के तौर पर भी अगर देखें तो बहुत ही सही हैंडलिंग जो है मुझे लगी, कोई भी शिकायत में हैंडलिंग से रिलेटेड भी नहीं बोलूंगा। और फिर अगर हम बात करें NVH वगैरह की, तो इंजन तो है नहीं, हाँ एक साउंड जो है वो गाड़ी में से आती है, गाड़ी सामने वाले पेडेस्ट्रियन को अलार्म करने के लिए बताती है, तो वो भी हम चाहें तो बंद कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास में व्हीकल का ऑप्शन है, उसके बाद में आप अगर जाते हैं ड्राइविंग असिस्टेंट में और पेडेस्ट्रियन अलर्ट ऑफ करते हैं, तो वो है साउंड जो मोटर की है वो तो आती रहेगी, लेकिन उसके अलावा कोई भी जो है बाहर के अलावा हल्की हल्की जो साउंड है ना वो बंद हो जाएगी। एसी की साउंड आती है ऑब्वियसली, लेकिन कुछ खास जो है ब्लोअर से बड़ी नॉइज नहीं आती है, तो NVH के मामलों में काफी सॉर्टेड है। इवन जो टायर नॉइज वगैरह वो भी काफी कम आती है, यानी कि इंसुलेशन पे काम तो किया गया है। और मैं फ्रंट बोनेट वगैरह देख रहा था, बहुत ही हैवी है वो, तो वो भी काफी आवाज जो है वो दबा देते हैं टायर वगैरह सस्पेंशन वगैरह से जो आने वाली आवाज है, सस्पेंशन से थोड़ी बहुत आवाज आती है, उसके अलावा कोई ऐसी आवाज NVH से रिलेटेड कोई ऐसी चीज नहीं है। टर्निंग रेडियस गाड़ी का सही है, कोई समस्या इससे रिलेटेड भी नहीं लग रही है। कंफर्टेबल पोजीशन आप इजीली फाइंड कर पाएंगे, हालांकि टेलीस्कोपिकली एडजस्टेबल नहीं है, बट आपको कंफर्टेबल पोजीशन जो है वो इजीली मिल जाएगी, कोई ऐसी इशू जो है उससे रिगार्डिंग भी नहीं होना है। गाड़ी के कई चीज़ें बताती है यहाँ पे, ये देखो डिस्प्ले, एनर्जी फ्लो कहाँ क्या हो रहा है, कौन सी बैटरी से कहाँ लिया जा रहा है, जब आप एक्सलेट करेंगे तब जो है ब्लू हो जाएगा यानी कि बैटरी खर्च हो रही है, जब आप रीजनरेटिव ब्रेकिंग चल रही हो तो ग्रीन हो जाएगा, तो वो भी अच्छी चीज़ है। हालांकि ह्यूंडई कोना में जो पैडल में रीजनरेटिव ब्रेकिंग का सिस्टम आता है वो बहुत अच्छा है, वैसा ही लाना चाहिए था इसमें, लेकिन इसमें वैसा नहीं है, आपको यहीं से रिजनरेटिव ब्रेकिंग जो है उसको छेड़ना है तो यहीं से आपको छेड़ना पड़ेगा उसको। एक और मोड है जिसपे आपको देखो यहाँ पे वोल्टेज मोटर स्पीड वगैरह बताता है, 1000 RPM के हिसाब से क्या मोटर स्पीड है, कितना करंट जो है आप यूज कर रहे हैं, वो मोड भी आपको यहाँ देखने को मिलता है। बढ़िया चीज है ओवरऑल, ड्राइवर सीट से जो है काफी सही मुझे लग रहा है, कोई भी परेशानी जो है वो मुझे ड्राइवर सीट से एज सच लग नहीं रही है। ओके, तो अब बात करते हैं चार्जिंग ऑप्शन की, तो टोटल चार चार्जिंग ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है, और चार चार्जिंग ऑप्शंस में क्या ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन तो ये है कि गाड़ी के साथ में आपको एक रेगुलर चार्जर दिया जाता है, ये जो आप देख रहे हैं रेगुलर चार्जर नहीं है, रेगुलर चार्जर आप अपने वो 15 एम्पियर वाले वोल्ट में घर में कहीं भी लगा के गाड़ी को चार्ज कर सकते हैं, उससे गाड़ी चार्ज होगी 17 से 18 घंटे में, ठीक है। बट दूसरा ऑप्शन जो है जो कि आप अपने घर पे MG जो है आपको फ्री में लगा के देगा, घर पे ऑफिस में या जहाँ भी आप चाहते हो वहाँ पे लगा के देगा, वो है ये, ये है एक AC चार्जर, और ये AC चार्जर जो है छोटा सा है, बड़ा नहीं है। ये सेटअप जो है आपका ऐसा कुछ दिखता है और गाड़ी में यहाँ लगता है। ओके, ये जो है ये पूरा चार्जिंग प्लग है, अब ये जो है आप कहीं भी लगवा सकते हैं, और इसकी कॉस्ट जो है वो MG जो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देता है, तो आपको कोई भी कॉस्ट इसकी पे नहीं करनी पड़ती है, ये काफ़ी कन्वीनियंट चीज़ लगती है। बट ये चार्ज करता है 5-6-7 घंटे में, तो यानी कि आपको ओवरनाइट चार्ज लगा के छोड़ो या आप ऑफिस आवर्स में लगा के रखो तो वैसे काम का है। उसके बाद ऑप्शन ये है कि MG जो है, MG आपको एक और ऑप्शन ये देगा कि आप अपने जो नज़दीकी डीलरशिप वगैरह है या कहीं पे चार्जिंग स्टेशन होगा जो कि आपकी गाड़ी बताएगी कि कहाँ है नज़दीकी चार्जिंग स्टेशन, वहाँ से आप चार्ज करवा सकते हैं, और उस चार्जिंग की जो है टाइमिंग बहुत ज़्यादा होगी, DC चार्जर होगा जो कि आपको 50 मिनट में ही 90% गाड़ी जो है चार्ज करके देगा, वो पेड होगी शायद तक, अभी तक जो आपको मैं यहाँ पे विजुअल्स दिखा रहा हूँ ये इस तरीके का वो चार्जर होगा, तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कई जगहों पे वो लगा हुआ होगा, खासतौर से पॉपुलर रास्तों पे, जैसे कि यहाँ से दिल्ली से अपना चंडीगढ़ हो गया, मुंबई से पुणे हो गया, ऐसे पॉपुलर रास्तों पे जो है वो लगा हुआ होगा। चौथा ऑप्शन ये है, अगर आप कहीं पे आपकी गाड़ी हो जाती है बंद, तो उस सिचुएशन में आपको जो है एक मोबाइल चार्जिंग स्टेशन होगा, एक वैन होगी जो आपके वहाँ तक आएगी जहाँ पे आपकी गाड़ी बंद हुई है, और एक घंटे में आपको चार्ज करके जितना भी देगी उससे आप 30 किलोमीटर तक जा सकते हैं। तो ये सीन है और चार्जिंग का, आगे इंफ्रा में और कुछ बदलाव आते रहेंगे, MG जो है कोशिश करती रहेगी कि भैया कुछ कुछ नए चार्जिंग के तरीके या नए चार्जिंग के और कोई सॉल्यूशन ढूंढते जाएं, उन्होंने कहा है, बाकी तो अभी फ़िलहाल यही है चार्जिंग इंफ्रा के बारे में। तो ये सब कुछ था MG ZS इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में, अगर आपकी कोई राय है या आपका कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अगर मुझे उसका जवाब पता होगा तो मैं डेफिनेटली दे दूंगा। बाकी बात करें अगर रिव्यू की, तो वो लगभग 1000 किलोमीटर जब चलाने को मिलेगी तब आ जाएगा, यानी कि थोड़ा टाइम लगेगा उसमें,
तब तक प्राइस भी जो है अनाउंस हो जाएगी। मुझे उम्मीद ये है कि 20 से लेकर 25 लाख के बीच में जो है वो प्राइस की रखी जाएगी। अभी एग्जैक्ट प्राइस जो भी आती है वो मैं इंस्टाग्राम पे अपडेट कर दूंगा, तो अगर आप इंस्टाग्राम पे नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। बाकी दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद है दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। अगली वीडियो तक दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए, धन्यवाद।